चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भैया आज पूरे जिले में वाराणसी हॉट सीट के रूप में उभर रही है, पूरे जिले की राजनीति में वाराणसी की नज़र बनी हुई है राजनीति में, तो एक दो दिन से जो खासकर घटनाक्रम चल रहे हैं आपके भाजपा प्रवेश को लेकर, वाराणसी से भाजपा के एक जत्था भोपाल भी गया हुआ था आपके खिलाफ, शिवराज जी से चर्चा की थी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए वाराणसी जो हॉट सीट है ये पिछले 2018 के चुनाव से जब मुझे टिकट कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट ली थी, 6 साल के लिए बाहर कर दिया और जनता ने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ाई, तब से ही आप देखें कि लगातार ये हॉट सीट बनी हुई है। उसके बाद फिर नगर पालिका जो सारी चुनाव हुए वहाँ भी देखा आपने, जनता ने निर्दलीय जनपद पंचायत निर्दलीय नगर पालिका जिताई, तो ये पूरे मध्य प्रदेश की हॉट सीट हो गई मिला, और पूरे देश में पहली विधानसभा है जहाँ विधायक से लेकर नगर पालिका जनपद अध्यक्ष सब निर्दलीय हैं, ऐसा भारत में अकेला वाराणसी सीट सब एक हॉट सीट रही हुई है। और वर्तमान में जो परिवेश चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष साहब बता रहे हैं कि लोग वहाँ भोपाल गए, चूँकि ये चुनाव प्रक्रिया है, इसके पहले कांग्रेस के बहुत सारे लोग छिंदवाड़ा भी गए थे, तो सभी चाहते हैं कि हमारा कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े या हर व्यक्ति चाहता है मुझे टिकट मिल जाए, तो सभी लोग अपने संगठन स्तर पर प्रयास करते हैं, अपने नेता के पास जाते हैं, तो उसी तरह की प्रक्रिया में समझ लें भारतीय जनता पार्टी के लोग किसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी के पास कभी टिकट के लिए गया नहीं, मैं संगठन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कौन पदाधिकारी मैं किसी से मिला भी नहीं जानता नहीं, ना मैं आज तक कांग्रेस से किसी पदाधिकारी के पास गया ना किसी के पास गया, लेकिन चूँकि मैं निर्दलीय विधायक हूँ तो स्वाभाविक है सारी पार्टियाँ, चाहे NCP हो, VSP है, आप पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, सभी लोग मुझसे चाह रहे हैं कि मैं अपनी टिकट से चुनाव लड़ूँ, उनको लगता है कि मैं जीतने वाला उम्मीदवार हो सकता हूँ, ये सब चुनाव प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का उनका अपना संगठन है, अपने काम करने के तरीके हैं, अब वो वहाँ से कौन चुनाव लड़ना चाहता है, किसकी क्या महत्वाकांक्षा है, ये भारतीय जनता पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, मैं उसको मामले में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि वो किसका विरोध कर रहे हैं, कौन टिकट चाहता है, अपने अपने नेता के पास गए होंगे। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी में अकेला व्यक्ति है माननीय शिवराज चौहान, वो मुख्यमंत्री है, मैं निर्दलीय विधायक हूँ, एक विधायक होने के नाता विधानसभा मेरे नेता भी हूँ, तो एक मुख्यमंत्री के दौर में बिना मुख्यमंत्री के सहयोग के विकास संभव, और ये मैंने दिखा दिया कि निर्दलीय विधायक का क्या दायित्व होना चाहिए, निर्दलीय विधायक का क्या मतलब दायित्व है, क्या कर्तव्य होना चाहिए मैंने दिखाया, और समर्थन के बदले क्या सहयोग मिलता है, समर्थन का क्या महत्व होता है ये भी लोगों ने देख लिया है कि समर्थन देने के बाद सरकार का क्या सहयोग मिला मुझे, इस क्षेत्र में क्या क्या काम हुए सबने देखा है, तो मैंने अपने सारे निर्णय जनता को महत्व देते हुए क्षेत्र का विकास हो, और मेन जो सारी धुरी जो है वो बारहवीं खलानी क्षेत्र का विकास है, उसको लेके मैंने अभी तक सारे निर्णय किए, और आने वाले समय पर भी मेरा जो भी निर्णय हुआ वो वाराणसी क्षेत्र का विकास, वाराणसी क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित रहे, वाराणसी क्षेत्र की जनता कार्यकर्ता का सम्मान पूरे प्रदेश स्तर पर रहे, यही सोचकर इसी को आधार मानकर आने वाले आए, और समर्थन के बदले क्या सहयोग मिलता है, समर्थन का क्या महत्व होता है ये भी लोगों ने देख लिया है कि समर्थन देने के बाद सरकार का क्या सहयोग मिला मुझे, ये क्षेत्र में क्या क्या काम हुए सबने देखा है, तो मैंने अपने सारे निर्णय जनता को महत्व देते हुए क्षेत्र का विकास हो, और मेन जो सारी धुरी जो है वो वाराणसी खलानी क्षेत्र का विकास, उसको लेके मैंने अभी तक सारे निर्णय किया, और आने वाले समय पर भी मेरा जो भी निर्णय हुआ वो वाराणसी क्षेत्र का विकास, वाराणसी क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित रहे, वाराणसी क्षेत्र की जनता कार्यकर्ता का सम्मान पूरे प्रदेश स्तर पर रहे, यही सोचकर इसी को आधार मानकर आने वाले समय पर मैं निर्णय करूँगा, मेरा कोई निर्णय भी नहीं हुआ, हो सकता मैं फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ूँ, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री से मिलना जुलना सिर्फ वाराणसी क्षेत्र के विकास से संबंधित रहता है, मुझे उसको मैं टिकट की जहाँ तक बात है कि सारी अटकलें मैं अभी तक मैंने कोई तय नहीं किया है, मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, बाकी जो प्रक्रिया चलती है अपने अपने क्षेत्र में, कांग्रेस के लोग हैं छिंदवाड़ा, ये कांग्रेस के लोगों को 800 लोगों को जाना ये बताता है कि यहाँ पर पिछले बार हमने संजय मसानी को चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ने के बाद मसानी जी गायब हो गए आज तक पता ही नहीं, अब क्षेत्र की जनता का अपना विवेक है
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपना विवेक है, वो सोचते हैं कि हमको कोई जीतने वाला उम्मीदवार मिले, वो अपने नेता के पास गए कि हमको कोई जीतने वाला उम्मीदवार दो, क्योंकि यहाँ जितने उम्मीदवार हो सकता है उन पर उनका भरोसा ना हो, तो ये चुनाव प्रक्रिया के तहत सब काम हो रहा है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के मामले में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, उनको पार्टी का अंदर ही मामला है कि वो क्या विरोध कर रहे हैं, कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरी दिशा, मेरी नीयत जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे जनता ने टिकट दी है और जनता का जितना भी संभव हो सकता है, मैंने पहले भी कहा कि आखिरी एक मिनट तक, जैसा अभी देखा आखिरी बजट आया, मध्य प्रदेश शासन का आखिरी बजट आया, उस बजट पर भी मैंने 16 करोड़ के 2 पुल लग गया। कल हमने वाराणसी शहर के अंदर स्विमिंग पुल के लिए 90 लाख रुपये, हमारे अंबेडकर भवन का जीर्णोद्धार के लिए, ताकि लॉन जैसे बड़े शहर में लॉन होते हैं वह हमारे गरीब मध्यम वर्गों को सस्ते दर पर मिले, तो अंबेडकर भवन का जीर्णोद्धार करने के लिए 90 लाख। शहर के हमारे नेहरू चौक से लेकर गोलीबार चौक तक अभी हमने सड़क बनाया, वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था करना है, उसका पैसा स्टाफ डैम टोंडे नाल में स्टाफ डैम बनाने के लिए, उसके लिए 90 लाख। ऐसा 5 करोड़ रुपए की राशि हमारे नगर पालिका के 1 साल पूरे होने के अवसर पर, ये भी योग सहयोग देखा कि 1 साल जिस दिन पूरा हो रहा है उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री हमारे सारे जो प्रस्ताव गए थे उसको स्वीकृति दिया और 5 करोड़ का राशि नगर पालिका का। मैं हमेशा भाषण में कहता हूँ कि अंतिम समय तक जितना बड़े से बड़ा काम हो सकता है, छोटे से छोटा काम हो सकता है, लाने का मेरा प्रयास रहेगा। वाराणसी में ऐसा कौन सा ऐतिहासिक हो रहा है कि अगर प्रदीप देसवाल जी अगर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के, ये तो अच्छा है, भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है, तो किस भावना के तहत आपका विरोध हो रहा है? देखिए, ये कुल मिला के वाराणसी क्षेत्र में भूतों ना बदल सकती है। इस बार ये 5 साल में जनता ने जो असाधारण निर्णय किया, असाधारण निर्णय है, विधानसभा में चुनाव जिताया, नगर पालिका में जिताया, जनपद में जिताया, ये जो असाधारण निर्णय जनता का है और उसके अनुरूप ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि विकास भी असाधारण था, जो कभी जिसने सोचा नहीं था, आज शहर बदल गया, गांव बदल गए, ग्रामीण क्षेत्र बदल गया। अब मैं तो ये कहूँगा कि देश की आज़ादी के 75 साल हो गए, आज हम भी मानते हैं कि वाराणसी कल्याण क्षेत्र की उम्र जो है, शहर की उम्र 75 साल है। हमने इन 5 साल में वाराणसी कल्याण क्षेत्र की उम्र जो हमने 35 साल कर दी, नौजवान कर दिया है। इस विकास को देख के और जनता का जो भरपूर स्नेह और विश्वास मेरे प्रति है, उसको देख के स्वाभाविक राजनीतिक होता है, मेरा लोग विरोध करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, वो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे विकास का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसका इलाज मेरे पास नहीं, मैं किसी को गाली करने जा रहा हूँ, मेरे संबंध सबसे हैं, आज भी आमने सामने मिलते हैं, सबसे नमस्कार चमत्कार होता है, मेरे संबंध किसी से भी खराब नहीं। लेकिन मेरी कार्यप्रणाली जो है, मेरे कार्य करने का ढंग जो है, खिलाड़ी के तौर पे, एक इंजीनियर के तौर पे, मैं जो काम करता हूँ उसका, उसके बदले जनता का जो समर्थन मिल रहा है, अब उसको लेके लोगों में अगर ईर्ष्या होती है, लोगों में बौखलाहट होती है किसी नेता में, इसका इलाज तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ देखने में आ रहा है कि स्थानीय भाजपा के द्वारा आपका विरोध किया जा रहा है, ऊपर से शिवराज जी करोड़ों रुपये आपको सौगात के रूप में, तो क्या माने यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का जो विरोध है उसको हाईकमान, भाजपा का हाईकमान तवज्जो नहीं दे रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, मेरा जो अपना कर्तव्य है एक नेता के तौर पर, जनता के प्रति, क्षेत्र के लोगों के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, मैं उसका पूरा परिपालन कर रहा हूँ। और समर्थन, जैसा मैंने कहा कि समर्थन की क्या महत्व होता है, मैंने दिखा दिया कि समर्थन का क्या महत्व होता है, और समर्थन के बदले जो सरकार का कैश सहयोग मिल सकता है, ये राजनीतिक जो उड़ा भाग है। और हमने जो राजनीतिक निर्णय किया, ये कठोर निर्णय था हमारे लिए, हमारे सारे विकल्प चुनाव लड़ने के आज भी खुले हुए। अब राजनीति में बहुत सारा निर्णय सब कुछ निर्भर करता है जनता पर, जनता सबको जानती है, मेरे को भी जानती है, सबका काम जनता देख चुकी है, सबके चेहरे को जनता जानती है, जनता अंतिम निर्णय कहीं नहीं आए हैं। भाजपा भी आपको टिकट देने को तैयार होती है, कांग्रेस भी टिकट देने को तैयार होती है, एक टास्क की तरह आपके पास ये मौका मिलता है तो किसे चुनेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैंने अंतिम दौर पर यही कहा है, मेरी अपनी टीम, आप देखते हैं, आप मेरी जो अपनी टीम है, क्षेत्र की सोचेंगे कि हमको क्या निर्णय करना है, किस पार्टी के साथ जाना या निर्दलीय लड़ना, ये अंतिम समाधान भैया। भाजपा ये मान रहे हैं कि शिवराज जी की पहली पसंद आप ही है करके, मैंने जैसा कहा कि सारी पार्टियां मुझसे संपर्क कर रही हैं, मैं निर्दलीय विधायक हूँ, मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, कांग्रेस मुझे 6 साल के लिए बाहर कर चुकी है, मैं निर्दलीय विधायक हूँ, मुझसे सब लोग संपर्क कर रहे हैं। उसी तरह माननीय शिवराज चौहान जी जिस तरह से मेरे कार्यों से प्रभावित है, वाराणसी खल्लानी क्षेत्र की जनता से प्रभावित हैं, वो इस कारण उनका सहयोग हमें पूरा मिल रहा है, इस नाते वो भी चाहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ूं, जैसा बीएसपी दूसरी पार्टियां जा रहे हैं, वैसे
शिवराज चौहान भी जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन निर्णय तो मुझे करना था, मैं क्षेत्रीय जनता क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं से मिलकर जो निर्णय होगा करना। जैसे कि अभी एकाएक ये बूम आ गया आपके विरोध को लेकर, क्या ऐसे घटनाक्रम भोपाल में हुए हैं क्या जिससे यहाँ के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को ये लगा है कि अब प्रदीप जायसवाल जी का भाजपा में प्रवेश तय है और एक बार इनका जमकर विरोध होना चाहिए, जो पूर्व विधायक हैं यहाँ के वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा लगे और उनका ये कहना है कि आपने छिंदवाड़ा भेजे थे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को? ये तो सरासर गलत बात है। आज मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं हुड्डा जायसवाल को चुनाव लड़ टिकट दिया, उन्होंने मुझे कई बार कहा भी है, लेकिन मैंने वो साफ साफ कहा है कि आप अपने कार्यकर्ता यहाँ के जो स्थानीय नेता है हमारे जिले स्तर के नेता है सबसे पाँच करोड़ लोग, और ऐसा लगता है तो आप मुझे कहेंगे तो मैं सोचूंगा, अन्यथा मैं ऐसी किसी भी प्रतिकूल स्थिति मैं कहीं भी मतलब बात दे लूँगा आपकी बात मानने की। आप तो अपने कार्यकर्ता को जो लड़ना चाहते हैं उनको टिकट दूंगा, मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ने में सक्षम हूँ, मुझे मेरे साथ वाराणसी क्षेत्र की जनता के दरवाजे बंद खुले हैं, आज भी खुले हैं, मैं तो अपनी जनता के मतलब उन पर भरोसा करता हूँ, जनता का भरोसा मेरे पर है और मेरा पूरा भरोसा क्षेत्र की जनता के ऊपर, तो मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। मैंने कहा मैं किसी पार्टी के पास नहीं गया तो कांग्रेस के पास क्यों जाऊँ, जिस पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए बाहर कर, जिस पार्टी ने 25 साल की सेवा का ये बवाद मेरे को दी थी एंड टाइम 6 दिन पहले टिकट काट दी, मैं उसके पास क्या जाऊँ। हाँ लेकिन मैं निर्दलीय विधायक, मेरे पास सारी पार्टियाँ आ रही है, मान्य शिवराज चौहान जी मुझे पसंद करते हैं, उसी तरह से अगर कांग्रेस के लोग मुझे संपर्क करें मैं विचार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किसी भी पार्टी कांग्रेस नहीं किसी भी पार्टी के पास अपना चुनावी दावा रखने के लिए या टिकट के लिए मैंने कोई भी प्रयास नहीं किया ना ही करूँगा। मैं मेरे काम है, मेरा व्यक्तित्व है, क्षेत्र की जनता का विश्वास है, इस पर कोई प्रभावित होगा मुझे टिकट देना चाहता तो दल की टीम नहीं है, कोई पार्टी की टीम नहीं है, मेरी व्यक्तिगत टीम है जो पिछले 20 साल 25 साल से मेरे साथ काम करी, आप तो कार्यकर्ता के जनता भी मेरी टीम में शामिल हो चुकी है, मेरे जैसे भी बड़ी टीम है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में किसी टीम थोड़ी होगी, कि मेरे क्षेत्र की जनता भी मेरी टीम में शामिल है, वो जैसा चाहेंगे मेरा उनका लगातार संपर्क बना हुआ है, उन्हीं के हिसाब से मेरा अंतिम निर्णय। भैया राजनीतिक अनिश्चितताएँ आ गई है, सबकी निगाहें आपकी ओर है, जब तक आपका निर्णय नहीं आएगा अन्य दल भी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, तो अपन कब तक की समय सीमा मान सकते हैं कि आखिर मेरा निर्णय अंतिम निर्णय कब तक आ सकता है? 3-4 महीने का टाइम है सब चुनाव में, मैं समझता हूँ कि जैसा आप बता रहे हैं हॉट सीट वाला सुन, ये सीट का निर्णय भी आप समझ सकते हैं कि 230 विधानसभा में 229 का निर्णय हो जाएगा, फिर वाराणसी का निर्णय होगा। जहाँ भी जाए आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।